ऑल राइट गाइस, तो यार इस टाइप का वीडियो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, जो कि अभी के टाइम पे इस टाइप का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा आप लोग कैसे इस टाइप का वीडियो बना सकते हो। तो वीडियो छोटा सा होने वाला है, आप लोग एंड तक देखते रहना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसा नहीं है, और भी वीडियो देखने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो इस टाइप का वीडियो एडिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को यूज करेंगे और साथ में एक वीपीएन। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग कोई भी वीपीएन यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिक्योर वीपीएन को यूज कर रहा हूँ। तो वीपीएन कनेक्ट हो जाने के बाद गाइस आप लोग किसी भी ब्राउजर पे आ जाना एंड यहाँ पे सर्च करना Bit3ANH कैपकट टेम्पलेट। ओके गाइस, तो सर्च करने के बाद गाइस जो यहाँ पे फर्स्ट पे वेबसाइट आएगा तो सिंपली इस वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग नीचे आ जाना एंड यहाँ पे टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस थोड़ा सा नीचे यूज टेम्पलेट ऑन कैपकट लिखा रहेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन गाइस इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक अपना फोटो सिलेक्ट करना है, देन इंस्टाग्राम प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस फिर से अपना फोटो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे क्लिक करना प्रीव्यू पे, तो यहाँ पे गाइस आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। उसके बाद गाइस थोड़ा बहुत स्लोमो कट करना होगा, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे सेव करेंगे। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, देन उसके बाद एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। तो वीडियो सेव करने के बाद गाइज फिर से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड यहाँ पे क्लिक करना न्यू प्रोजेक्ट पे। उसके बाद जो अभी वीडियो को सेव किया ना, सिंपली उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप गाइज इस वीडियो को कट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग 10 सेकेंड पे आ जाना। तो 10 सेकेंड पे वीडियो को कट करेंगे, तो वीडियो को कट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना वीडियो के ऊपर एंड यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो स्प्लिट पे जैसे क्लिक करोगे गाइज तो यहाँ पे वीडियो कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला क्लिप है, सिंपली इस क्लिप को यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आप गाइज यहाँ पे आप लोग 5 सेकंड पे आ जाना। उसके बाद क्लिक करना वीडियो के ऊपर एंड यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो स्प्लिट पे क्लिक करके वीडियो को कट कर लेना है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे स्पीड पे आ जाना। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल पे आ जाना एंड यहाँ पे आप लोग इसको 1.9x रखना, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप गाइज यहाँ पे म्यूजिक को ऐड करेंगे। तो म्यूजिक को ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना ऐड ऑडियो पे। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक्सटार्टेड पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे इस रील वीडियो को सिलेक्ट करेंगे म्यूजिक के लिए। तो सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करना इनपुट साउंड ओनली पे, तो यहाँ पे म्यूजिक आ जाएगा। तो इस वीडियो में गाइज पहले से म्यूजिक रहेगा, तो यहाँ पे म्यूट पे क्लिक करके यहाँ पे म्यूट करेंगे तो वीडियो का साउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं। एंड लास्ट में देख सकते हो जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो इसको गाइज ऐसे करके छोटा करेंगे म्यूजिक तक, जहाँ तक म्यूजिक है वहाँ तक। ओके, तो यही था आज का वीडियो। वीडियो को सेव करने के लिए ये जो एरो है ना, यहाँ पे क्लिक करके गाइज आप लोग वीडियो को सेव कर सकते हो।